कर रहे हैं BHEL की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो छोटी मोटी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। पिछले दो दिनों से मार्केट में बड़ी गिरावट थी, लेकिन BHEL जो ऑलरेडी पहले से 330 के लेवल से रिजेक्शन के बाद लगातार गिरावट में, हम देख सकते हैं इसके चार्ट पैटर्न को जंप आ रहा है, लेकिन स्टॉक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, अगेन रिजेक्शन लेकर गिरावट देखने के लिए मिली है। इससे पहले 250 के लेवल से एक जंप आया, जहां सपोर्ट ले रहा था 290 का लेवल, वहीं और उसी लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस करके अगेन गिरावट दिखा रहा है। तो नीचे की ओर 250 का जो लेवल है, तगड़ा सपोर्ट है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इस लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेकडाउन कर गया तो फिर ऐसी कंडीशन में और बड़ी गिरावट BHEL दिखा सकता है, फिर नीचे की ओर 240 तक का फॉल स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट में भी गिरावट है और BHEL ऑलरेडी पहले से ही गिरावट में है, तो हमको अब यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार करना है। गिरावट कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि मार्केट भी गिरावट का सिग्नल ही दे चुका है, तो नीचे की ओर 250 के पास अगर आता है तो मौका बनेगा। यहाँ से हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 240 के पास और अच्छा मौका बन सकता है। लेकिन अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है और बाउंस बैक के साथ एटलीस्ट 280 के लेवल के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो जाता है, 280 के ऊपर 2 से 3 दिन सस्टेन हो जाता है, तो फिर 300 तक का भी जम दिखा सकता है, 300 तक के भी टारगेट फिर BHEL दिखा सकता है। लेकिन याद रखिएगा 280 के लेवल को ब्रेकआउट करके 2-3 दिन सस्टेन होने देना है। अगर ये सिनारियो स्टॉक में नज़र आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 300 और 300 का भी ब्रेकआउट स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन जो मार्केट में गिरावट है तो मार्केट के मोमेंटम पे भी हमको नज़र रख कर चलना होगा कि मार्केट क्या दिखा रहा है, अपसाइड या डाउन साइड, इस पर भी हमको नज़र रखना है। और चार्ट पैटर्न भी हम इसका देख ही रहे कि किस तरह से रिजेक्शन फेस कर रहा है जंपर और गिरावट दिखा रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना ज़रूरी होगा, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।